वेलकम फ्रेंड्स टू योर यूट्यूब चैनल पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे कल आने वाले दिनों में क्या रुझान कैसा ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी उसका ट्रेड सेटअप करेंगे या तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है ऊपर की तरफ या नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ऑलरेडी so, सब कुछ इवेंट हो कम्प्लीट हो चुका है बस एक ओट सेरेमनी बाकी है और कौन सा पोर्टफोलियो किस डिपार्ट किस को मिलेगा वो देखना भी बाकी है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में तो जो भी हो हम अकॉर्डिंग टू वेब थ्री के अनुसार ही चलेंगे तो दिस इज दिफ्टी वीकली दे चार्ट इलेट वेब काउंट इज गिवन सो यू कैन सी आफ्टर फ्रॉम कोविड क्रैश दिस इज द वेब वन वेब टू एंड दिस इज थर्ड इज गोइंग ऑन ओके विद इन दिस थर्ड थर्ड ऑफ वन कम्प्लीटेड थर्ड ऑफ टू कम्प्लीटेड मे बी थर्ड ऑफ थर्ड इज कम्प्लीटेड फोर्थ कम्प्लीटेड एंड फिफ्थ इज पेंडिंग ओके नाव यू वी हैव टू कंफर्म विथ इज़ कम्प्लीटेड और नॉट और स्टिल इज पेंडिंग ओके सो इसके लिए हम छोटे टाइम फर में जाएंगे डेली चार्ट में पहले चलते हैं सो so, डेली चार्ट में अगर जाते हैं तो आप यहाँ दे सकते हो डेली चार्ट में कि थर्ड या फोर्थ है तो यहाँ पर क्लियर कट विजन नहीं मिल रहा अपने को इसका हम करेक्शन माप लेते हैं कि करेक्शन कितना परसेंट गया है अगर यहाँ से हाई तक देखें तो यहाँ से करेक्शन ऑलमोस्ट नाइन परसेंट तक करेक्शन गया है सो so, बहुत ही हेवी करेक्शन हुआ था उस दिन फोर्थ ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो नाइन परसेंट करेक्शन माने रखता है इंडेक्स में कि करीबन एक से दो महीने का करेक्शन होता है ऑलरेडी एक करेक्शन हो के और ये रिकवर भी कर चुका है तीन दो दिन के अंदर सो so, बहुत ही वोटाइल वोड़ाल मूव था और रैपिड मूव था वेरी फास्ट अगर कोई निवेशक यहाँ पे अगर बाइक किए हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट अभी मिल सकता है तो देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है अगर हम ये डेली चार्ट के बाद ओवरली चार्ट में देखें, ओवरली चार्ट में अगर हम जाएँ यहाँ पर थोड़ा क्लियर व्यू भी क्लियर नहीं आ रहा है तो पंद्रह मिनट का चार्ट में जाते हैं सो इफ़ यू गो टू द फिफ्टीन मिनट चार्ट देन दियू इज़ क्लियर इट इज़ ए डबल जिकजैक करेक्शन तो ए बी सी एक्स ए बी सी ओके सो यहाँ पे आपका डबल जिक करेक्शन आया है यहाँ पे बी यह, सी हो गया डब्लू फिर एक्स फिर ए सो आईडर वे फोर्थ कम्प्लीटेड हेयर एंड दिस इज फिफ्थ ऑफ वन ओके तो दिस इज अ बोलिस सीनारियो पॉइंट ऑफ व्यू बोलिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हम करेक्शन कम्प्लीट कर चुके हैं जो करेक्शन आया था हो चुका है और एक नई तेजी की तरफ हम बढ़ चुके हैं उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी कम्प्लीट होने को है और फिर यहाँ से यहाँ से लेके कर यहाँ तक हो सकता है कि पहला वेव कंप्लीट हो और फिर सेकेंड वेव के लिए हम नीचे की तरफ आ सकते हैं तो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर सेकेंड वेव नीचे की तरफ आना है तो कहाँ तक आएंगे अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट ये अपसाइड कंप्लीट अगर होता है या तो कल मंडे को गैप डाउन ओपन गैप ओपनिंग अगर होता है नियर अबाउट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास तो वहाँ से हम लेवल नीचे की तरफ हम मान लेते हैं कि ज्यादा से ज़्यादा नीचे तक जो लेवल निकल के आ रहा है ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास आ रहा है ओके okay? ये लेवल निकल के आ रहा है उससे ज़्यादा मैक्सिमम ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास सेवन हंड्रेड के आसपास निकल के आ रहा है अगर इफ निफ्टी फॉल फ्रॉम ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी लेवल्स ओके सो दिस कु द वेब वन एंड वेब टू विल बिल्ड हेयर एंड देन थर्ड एंड फोर्थ विल बी पेंडिंग ऑन दफ साइड ओके सो यह बुलिस पॉइंट ऑफ व्यू का सीना है अब मैं आता हूँ बियर इस पॉइंट ऑफ व्यू इसको मैं बता दूँ तो हो सकता है कि थर्ड फोर्थ का वेब ए बने यहाँ से जो करेक्शन आया वेब ए बनेगा ए बी अभी चल रहा है और सी पेंडिंग है क्लियर तो यहाँ पे ए बी सी हो सकता है तो बी कहाँ तक जा सकता है बी पूरा रिटेस करेगा करना चाहिए ऑलमोस्ट बी जो वेव है वेव भी कम से कम वही जो मैं बताया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव सेवेंटी के आसपास जा सकता है ओके उसके ऊपर भी जा सकता है ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो अगर बी वेव है तो इस दोनों के लिए कंप्लीट करने के बाद पुनः वापस नीचे आ सकता है ओके okay? सो so, अगर नीचे अगर आना है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है अगर बी वे वक्त मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ तक तो अभी जो बताया ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड तक या सेवन हंड्रेड तो तक तो नीचे आ सकता है तो ये आपका बोलीस पॉइंट ऑफ व्यू में सी लेक बी बनने के बाद सी लेग कहाँ तक आएगा सी लेक में बता दिया अगर यहाँ तक करेक्शन कंप्लीट हो जाता है अपसाइड कंप्लीट हो जाता है तो नीचे जो आएगा पहला जो चांस है नीचे आने का मिनिमम आपका ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड तक वापस से रिटेस होने की संभावना है अगर यहाँ से प्राइस फॉल करता है अब इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है क्लोजिंग नहीं देता है मतलब ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक हम जाएंगे

तो नेक्स्ट टारगेट आएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड बीस हज़ार सात सौ का लेवल नीचे की तरफ आ रहा है ओके तो यहाँ से एक करेक्शन कंप्लीट होगा और फिर यहाँ से बुल रन प्रसिज चालू होगा या मार्केट मौका ना दे किसी को और सीधा जैसे अभी बताया था फिफ्टी ए वन कम्प्लीट हो चुका है फिफ्टी टू थोड़ा सा नीचे आएगा बाईस हज़ार दो सौ या बाईस हज़ार आठ सौ और फिर वहाँ से फिर अपटेंड चला जाएगा तेरा आपका निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है उस इसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए कॉल एटपोर्ट में आप ट्रेट कर सकते हैं अगर आप हम हमारा हमारा ऑप्शन कॉल लेना चाहते हैं तो वेल वेलकम है ऑप्शन कॉल बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स में हम देते हैं इसके लिए टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ओके ये आपका हो गया निफ्टी का अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर बात करेंगे ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और जैसे कि निफ, आपका निफ्टी का था वैसे ही बैंक निफ्टी का है आफ्टर कोविड लेवल ओके दिस इज़ द वन दिस इज़ टू एंड दिस इज थर्ड इज़ गोइंग ऑन ओके एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज पेंडिंग ओके सो दिस इज़ फर्स्ट लेग थर्ड का सेकेंड थर्ड का थर्ड हो सकता है इनकम्प्लीट है फोर्थ पेंडिंग है ऐसा भी हो सकता है या तो थर्ड ये वाला यहाँ कम्प्लीट हो गया हो इसको यहाँ कर लेंगे इसको यहाँ कर लेंगे इसको यहाँ कर लेंगे ओके okay. या तो थर्ड अभी कंप्लीट है थर्ड अभी कंप्लीट है या तो थर्ड ए होगा फोर्थ यहाँ पे होगा और फिफ्थ यहाँ पे होगा ओके okay. तो ये सिनेरियो है वीकली चार्ट का अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है मंडे और ट्यूजडे को उसके ऊपर बात करेंगे अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्लियर कट विज़न नहीं आ रहा है काउंट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे यहाँ पे डेली चार्ट में एक दिखाने लायक इंपॉर्टेंट है कि टेल लाइन को ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ऑन क्लोजिंग बेसिस सो फोर्टी सिक्स थाउजेंड जो लो बनाया था फोर्थ जून को इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम बेहरिस ब्रेक डाउन करेगा बैंक निफ्टी टिल तक आप टेन राइट कीजिए पंद्रह मिनट का चार्ट में हम देख देख सकते हैं कि वैसा ही ये जिक जैक बनाया है आपका ये ए बी सी यहाँ पे एक्स है आपका ये बी और सी तो ये फोर्थ वेब कंप्लीट हो चुका है थर्ड यहाँ कंप्लीट होने के बाद इसमें जो करेक्शन जो आया है आप इसका करेक्शन देख सकते हो नाइन पॉइंट सिक्सटी फाइव ऑलमोस्ट टेन परसेंट करेक्शन इन द बैंक निफ्टी सो टेन परसेंट करेक्शन बैंक निफ्टी में होना साधारण बात नहीं है डेफिनेटली थर्ड फोर्थ वेब का लेग है फोर्थ वेब थर्ड कंप्लीट होने का फोर्थ वेब का ले तो हो सकता है कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो और फिफ्थ वेब के लिए ऊपर जंप चले गए अगर फिफ्थ वेब अगर है तो फिर हम देख सकते हैं कि ये फिफ्थ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 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 का वन बनाएगा फिर टू बनाएगा फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बनाएगा तब जाके फिफ्थ वेव ऊपर कंप्लीट होगा ओके okay? तो ये आपका रोड मैप है बैंक निफ्टी का ये मैं बताया बुलिस पॉइंट ऑफ व्यू अब बी पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको हटा देता हूँ तो हो सकता है कि फोर्ट का ए बनाओ ए बी बनाओ और सी बनने को तैयार है ठीक है अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता है फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है If Bank Nifty fail to close above 51550 or if close above 51550, two trading sessions. Okay, then we assume that this is the fifth fifth leg has started and uh, new impulsive have started in the Bank Nifty. If fail to touch close below above this level, then we might see corrections and correction will how much correction will be then C will be started from there. ओके सो इन डैट केस सी लेग कैन कम 51,550 जा भी सकता है नहीं भी जा सकता ये ज़रूरी नहीं कि जाए हो सकता है कि यहीं से कुछ टच करके वापस आ जाए अगर ऐसा कंडीशन अगर हो तो फिर नीचे का जो सपोर्ट आ रहा है फोर्टी ये ध्यान रखिएगा 47,500 सेवन इज़ अ वाइटल सपोर्ट

अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूले अब हम बात करेंगे सेक्टर के बारे में कौन सा सेक्टर अब अब अच्छा लगने लगा है मेरे को उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो सेक्टर के हिसाब से मेरे को जो लग रहा है उसको मैं डिलीट कर दूँ तो पहला सेक्टर जो लग रहा है मेरे को आप नोट कर लीजिए द तो फर्स्ट सेक्टर आई एम वेरी बुलिस दैट इज आईटी स्टॉक्स आईटी सेक्टर्स पावर सेक्टर ओके देन डिफिनेटली पावर के बाद जो निकल के आएगा आईटी आए पावर सोलर एनर्जी इसमें आ जाएगा एनर्जी का स्टॉक्स भी इसमें आ जाएगा पी पीएसयू बैंक जो पहले थे वही चलेंगे इसमें आईटी टी न्यू एड होने जा रहा है क्योंकि आईटी का जो चार्ट आप देखेंगे बहुत ही अच्छा चार्ट है मैं आपको फ्री आई टी चार्ट दिखा देता हूँ पहले भी सेक्टर डिस्कस कर लूँ कंज एफ एम एफ एम सी जी एफ एम जी सी और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ये सेक्टर अब चलने वाले हैं इस पर आप फोकस रखिएगा हर बाई में आपको हर गिरावट में आपको बाई करना है ओके अब चलते हैं आपको दिखा दो निफ्टी आईटी आप एक चार्ट देख के समझ जाएंगे क्या रैली चल रहा है बुलिस एंड गल्फिंग का प्य मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो भी है सब फेल है इतना बड़ा कैंडल विकली चार्ट में बहुत ही कम देखने को दिखा है आईटी टी में जब भी ये बना है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस टेड लाइन इसके ऊपर ये जा, जा रहा है निफ्टी आईटी टी अब इसका लो जो है इसका स्टॉप लॉस करके आप इसमें ट्रेड करें जो भी आई स्टॉक है निफ्टी आई में या मिट के बैठी जो कॉल स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टॉक्स जो अच्छा लग रहा है उसमें आप निवेश करें अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा आने वाले दिनों में निफ्टी मेटल सॉरी मैं भूल गया निफ्टी मेटल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं निफ्टी मेटल का मैं दिखा दूँ निफ्टी मेटल अभी भी स्टीम बाकी है इसमें अभी बाकी वॉच भी ट्वेंटी एट थाउज टू थाउजेंड एट हंड्रेड तक जाएगा सो ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड तक जाएगा अभी है नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड सो थ्री थाउजेंड पॉइंट इज पेंडिंग इन निफ्टी मेटल सो फोकस ऑन निफ्टी मेटल्स ऑल्सो निफ्टी आई टी पावर्स एनर्जी सोलर एनर्जी पी एस बैंक्स पी एस सूस ओके कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफ एम जी सी स्टॉक्स सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वन ईयर थैंक यू वॉचिंग इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल